गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल विच इज़ सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 8.5 गिवन ऑन पेज नंबर 108। ये न्यूमेरिकल कब आता है? ये न्यूमेरिकल तब आता है जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो समझ चुके होते हैं। इसके बारे में वीडियो मैंने कल शेयर किया था, आई होप सबने वॉच किया होगा। अब जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें जो है हमारे तीन फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं ज़्यादातर। ये न्यूमेरिकल्स कैसे हैं? मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड होते हैं। फर्स्ट फार्मूला आपको पता ही है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट फार्मूला है हमारा। सेकेंड फार्मूला इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। तो ये हमारे पास तीन फार्मूलाज होते हैं जिनके बेसिस पे हमने आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। अब वी क्या होता है? फाइनल विलोसिटी। यू इज इनिशियल विलोसिटी। ए मीन्स एक्सेलरेशन। एस मीन्स डिस्टेंस। बाकी की टर्म सारी आपको पता है। अब हम स्टेटमेंट रीड करेंगे और हम सॉल्व न्यूमेरिकल को पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है मोशन, इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व को समझेंगे जो बुक में हमारी गिवन है, और हमें कहीं भी जो है हार्ड एंड फास्ट रूल्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कहीं भागना नहीं पड़ेगा हमें सॉल्यूशंस निकालने के लिए। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन थी जिसने स्टार्ट करा मूव करना रेस्ट से। पहले ट्रेन रेस्ट पे थी, अब चलते चलते क्या हो गया, उसने वेलोसिटी गेन करी है 72 किलोमीटर पर आवर की। कितने मिनटों में? 5 मिनट में। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन हम मान के चलते हैं कि यूनिफॉर्म है, मतलब ना बढ़ रही है वेलोसिटी ना कम हो रही है, सेम 72 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से अब वो जा रही है। फाइंड करना नंबर वन पे हमें एक्सेलरेशन कितनी है, एंड नंबर टू पे फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ट्रेन ने इस वेलोसिटी के साथ। अब बच्चों देखिए, हमें बोला गया था कि ट्रेन रेस्ट पे थी और बाद में उसने 72 किलोमीटर पर आर की क्या ले ली, वेलोसिटी। अब जो रेस्ट पे है मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया हमने। देन उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली, 72 किलोमीटर पर आर, कितने मिनटों में? 5 मिनट में। अब हमने देखो किलोमीटर पर आर को हमने कन्वर्ट करा है मीटर पर सेकेंड में। अब किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? एंड फाइनल वेलोसिटी किसमें है? किलोमीटर पर आर में। एंड आपको पता है कि जब किलोमीटर पर आर में होता है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए तुम सिंपली जो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे उस गिवन नंबर को किससे, 5/18 से। ये कन्वर्जन रेट है, अगर आपने इसको सिंपली लर्न करना है तो आप कर सकते हैं 5/18 से उसको मल्टीप्लाई। अब देख लेते हैं, 2 6 2 9 18, 2 36 12, एंड 9 4 36, 4 5 20, ये आ गया हमारे पास 20। तो 20 यहाँ पे आ गया, हमने यहाँ लिख दिया। अब जो टाइम है वो कितना है, 5 मिनट्स। अब मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स में। तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 300 सेकंड्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना था, नंबर वन पे बोला गया था एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ना बच्चों तीन फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे मैंने न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग में बोला था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। अब देखिए, अब इन तीनों में से क्या चीज़ फॉर्मूला लगेगा, इन तीनों में से जो फॉर्मूला है हम फर्स्ट वन पिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है। टाइम हमारे पास गिवन है, यू भी गिवन है एंड वी भी गिवन है, बाकियों में भी ए एंड टी आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हमें ये फॉर्मूला लगेगा। तो हमने क्या करा, इस फॉर्मूला को हमने यहाँ लिख दिया। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बन गया, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, वी माइनस यू और ये आ जाएगा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। v की वैल्यू डाल लेंगे 20, s u क्या था हमारा, रेस्ट पे था, u मीन्स रेस्ट, रेस्ट कितना था, 0, और टाइम कितना आ गया, 300। तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद, कटिंग करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो यूनिट होता है ये किसका होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखिए डिस्टेंस, हम तीन फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब हम देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला क्यों लग गया।
पहला फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि डिस्टेंस तो है ही नहीं। अब इन दोनों में एस आ रहा है, एस मीन्स डिस्टेंस, क्या हम ये फॉर्मूला लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं? अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तब भी हमारा जो सम है वो सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमें ज़्यादा वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें क्या होगा, वी की वैल्यू भी है हमारे पास, यू की भी है, ए की भी निकल सकती है हमारे पास वैल्यू, ए की हमने अभी निकाली 115। तो अब हम क्या करेंगे, एस निकालना ना, तो इस फॉर्मूला को कैसे चेंज करेंगे, ये देखिए वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, एस को उस तरफ रहने दीजिए, ये आ गया 2a, ठीक है। अब वी स्क्वेयर की वैल्यू डाल लिया कितनी थी, 20 स्क्वायर आ गया यहाँ पे, जीरो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे तो ऐसे लिख लीजिए जीरो आ जाएगा। अब 2 की वैल्यू डाली एंड ए क्या आया था हमारे पास, 1/15, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया और हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3 किलोमीटर्स, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकालना था।